क्वेश्चन ये है कि इसमें देखो यहाँ क्लास नहीं आ रहा, स्टूडेंट का पूरा बायोडाटा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सिर्फ स्टूडेंट के टेबल से आ रहा है। अब स्टूडेंट का टेबल स्प्लिट हुआ हुआ है यहाँ देखो क्लासेस में, उसकी क्लास का पता चलेगा कहाँ से? यहाँ से पता चलेगा कि वो कौन सी क्लास में, यहाँ से क्लास आईडी पता चलेगी, फिर उसके रिस्पेक्ट से क्लास नेम पता चलेगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, इस पे आता हूँ, क्वेरी पे आया, स्टूडेंट एस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इनर जॉइन स्टूडेंट स्टेटस ऐसे, ठीक है, ऑन एस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू ऐसे डॉट, इसके अंदर जो फॉरेन की के तौर पे मौजूद है, सही है। तो अब यहाँ क्लास आईडी भी आना शुरू हो जाएगी। क्लास आईडी आ रही है, मुझे क्लास आईडी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्लास नेम चाहिए। और क्लास नेम मौजूद कहाँ है? क्लास के अंदर। और क्लास कहाँ पर है? बराबर वाले टेबल में, इनर जॉइन, ठीक है, क्लासेस सी, ठीक है, ऑन सी डॉट क्लास आईडी इज इक्वल्स टू एसए डॉट क्लास की फॉरेन की आईडी, ठीक है ये। और यहाँ हम लिख देते हैं आगे जो जो चीज़ें हमें डिस्प्ले करवानी है। अब जो चीज़ें डिस्प्ले करानी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, एस डॉट स्टूडेंट आईडी कॉमा एस ए डॉट स्टेटस आईडी कॉमा, एस डॉट एड्रेस या फादर नेम कॉमा, एस डॉट जेंडर, एस डॉट एड्रेस चाहिए या फ़ोन नंबर जो भी होता है, ठीक है, कॉमा, क्लास कहाँ से आएगी? सी डॉट क्लास नेम, ठीक है, यही क्वेरी है। कॉपी करो इसे, यहाँ पर आओ, और डिफॉल्टर वाला फॉर्म कहाँ है? ये रहा, सही है। इसके लोड इवेंट पे गए, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बस जो ब्रैकेट से पहले वाला है इसकी कहानी चेंज करते हैं, बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा ना। वेयर नॉट इन कहाँ है? ये रहा, नॉट इन से, वेयर से पहले वाला जितना भी है सब कॉपी किया, कॉपी, यहाँ मैं आया और यहाँ पेस्ट, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आया, पेस्ट, कंट्रोल एस, इसको रन करके देखते हैं। देखो लिमिटेड रिकॉर्ड आ रहा है, ये भी पता चल रहा है कौन सा स्टूडेंट है, 2016 17, ठीक है, मंथ 10, ये देखो सही है। हाँ, स्टेटस आईडी भी आ रही, ठीक है। अच्छा, हमारे रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, जब हमने स्टूडेंट्स कुछ ऐड करा रखे हैं पर उन्हें क्लास असाइन नहीं की हुई है। क्लासेस असाइन कर देंगे, ये सारे मसले ख़त्म है। यानी स्टूडेंट कुछ टेबल में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी क्लास में नहीं पढ़ रहे स्टेटस के मुताबिक, सही है, वो हमने टेबल में ऐड नहीं कराया, डाटा इंसर्ट करते हुए उसे करा देना चाहिए। स्टूडेंट ज़्यादा हैं और वो किसी क्लास के अंदर नहीं है। देखो यहाँ 13 रिकॉर्ड है और स्टेटस में कितने रिकॉर्ड हैं? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टेटस इक्वल्स टू 2017 10, यानी तीन ऐसे बंदे हैं जो अभी किसी क्लास के अंदर नहीं है, सही है, उन्हें भी हम इस क्लास के अंदर ऐड कराएंगे तो ये डाटा बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया ये। अच्छा, अभी 10 मिनट हैं, एक छोटा सा काम मैं कर देता हूँ कि ये जो डिफॉल्टर है, ये जो पूरी लिस्ट आ रही है, ठीक है, ये लिस्ट जो है वो कहाँ एक्सेल की फाइल में आ जाए, एक्सपोर्ट करवा लूँ मैं, ठीक है, तो उसको एक्सपोर्ट करवाने वाला काम कर लेते हैं। तो अच्छा, कुछ और डेटा इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, काफ़ी, चलो रहने दे। अच्छा, देखो अब जो रिपोर्ट आ रही है उसको मैं चाह रहा हूँ एक्सपोर्ट करवा लूँ, ठीक है, जैसे ये रिपोर्ट्स हैं इनको मैं एक्सपोर्ट कराना चाह रहा हूँ। जो भी डिफॉल्टर्स हैं वो सारे क्या हूँ,
इस तरह से एक्सपोर्ट हो जाए किसमें, एक्सेल शीट में। तो मैंने एक बटन लगाया है, इस बटन के पीछे कोई कोड नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ एक्सपोर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस से, तो उसी वीडियो पे जाना है, ठीक है। हाउ टू एक्सपोर्ट, इस पर एक्सेल वाली वीडियो पे नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ सारा कोड हुआ है। इस कोड को करना है कॉपी और एक्सपोर्ट बटन पे डबल क्लिक किया, यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है। यहाँ बटन इवेंट एंड हो रहा है, मैं लिख देता हूँ बटन इवेंट एंड, ठीक है। अच्छा देखो ये रिलीज ऑब्जेक्ट का एरर देगा तुम्हें, तो क्या करना है देखो, उसी के नीचे एक मेथड बना हुआ है, उसको कॉपी करो, लेकर आए पेस्ट, ठीक है, ये एरर चला गया। इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पर आओ, देख रहे हो कनेक्शन स्ट्रिंग अपना बनाना है ना इसे, तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास बना हुआ है पहले से। ऐप डॉट कॉन्फिग में जाओगे, ऐप डॉट कॉन्फिग के अंदर ये कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, शिफ्ट एंड प्रेस किया, कंट्रोल सी, वापस आए इस फॉर्म पे और पेस्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ जो जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करवाना है वो क्वेरी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो क्वेरी चाहिए जिसको एक्सपोर्ट करवाना है तुमने, तो यहाँ मैं पास कर देता हूँ क्यू, सही है, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेरी चली होगी वो क्यू के थ्रू चली होगी और क्यू के अंदर वो मौजूद होगा जो क्वेरी है, हाँ क्यू, इसीलिए मैंने ग्लोबल किया था, सही है। अच्छा और यहाँ पे मैंने उसको सेव करवाना है जहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ उसका पाथ दे देता हूँ, लाइक मुझे इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाना है, तो डेस्कटॉप पे क्या पाथ होगा, प्रॉपर्टीज सी, सही है ये वाला पाथ होगा, और फाइल का नाम जो भी मैं सेव कराऊँ, यहाँ पर आओगे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल वी, एक और स्लैश लगाया और लिखा डिफॉल्टर रिपोर्ट डॉट एक्सएलएस, ठीक है, हाँ। अच्छा यहाँ से ये हटा देना, कंट्रोल एस, अब इसको चलाया मैंने, ठीक है। अच्छा डिफॉल्टर 2017 और इस वाले मंथ के, इसको एक्सपोर्ट करवाया, देखो कह रहा है एक्सेल फाइल क्रिएट हो गई है, तुम्हें मिल जाएगी डेस्कटॉप पे जाके देखो, तो ये रही डिफॉल्टर की फाइल, और ये देखो सारे डिफॉल्टर इसके अंदर है, सही है। इसी तरह से एक और दफ़ा टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी, 2017 टेंथ मंथ एक्सपोर्ट। अच्छा उस फाइल को वहाँ से हटा लेना क्योंकि उस पर ओवरराइट हो जाएगा, देखो एक दफ़ा वो हो चुकी है वहाँ से, इसीलिए नहीं, और नहीं दूसरा एरर इसलिए है कि फाइल ओपन है, उसी नाम की अगर फाइल ओपन होगी तो एरर आ जाएगा, हाँ उस फाइल को बंद करके चलाना पड़ेगा, या तो उसको वहाँ से हटा दो, ठीक है। देखो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कह रहा है रिप्लेस करना चाह रहे हो उस फाइल को, यस ये रिप्लेस किया, तो देखो यहाँ पे फाइल आई हुई है डिफॉल्टर, सिर्फ एक रिकॉर्ड, ठीक है। इसी तरह से एक और टेस्टिंग कर लेते हैं, यहाँ मैंने सर्च किया 2017 टेंथ मंथ नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ मंथ में ज़्यादा थे, आठ में सारे के सारे आ जाएंगे, एक्सपोर्ट यस ओके, और ये देखो सारा रिकॉर्ड आ गया, ये स्टूडेंट इस क्लास में, ठीक है, इनफ है।